हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस्लामिक कॉइन के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, प्राइस प्रेडिक्शन भी देखने वाले हैं, आपको अभी के टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दो एयरड्रॉप भी आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको मस्ट पार्टिसिपेट करना है गाइस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, लास्ट तक आप वीडियो में जरूर से बने रहेगा। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक जरूर से कर देना गाइस। चलते हैं मेन पॉइंट, जो कि है इस्लामिक कॉइन। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएमसी पर ऑलरेडी ये लिस्टेड हो चुका है, कल की डेट में ये लिस्टेड हो चुका था। अगर आप इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी देखोगे तो वहां पर भी ये ट्वीट आप देख सकते हो, 19 घंटे पहले यानी कि कल रात को लगभग 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास ये कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्टेड हो गया था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्लामिक कॉइन का जो रैंक है वो इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हो मार्केट कैप जीरो दिखा रहा है, बिकॉज इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी तक अनक्लियर है। हालांकि अभी ये नया नया लिस्टेड हुआ है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यहाँ पर एक चीज़ रिवील हो गई है गाइस, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप देखोगे रिपब्लिक के टाइम पर या फिर वाइट पेपर में भी, तो इनकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई कहीं ना कहीं सस्पेंस में थी, और वो क्लियर हो गई है सीएमसी पर लिस्ट होने से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 बिलियन यहाँ पर टोटल सप्लाई इसकी रहने वाली है, मैक्सिमम सप्लाई, जिसमें से टोटल सप्लाई अभी के टाइम पर जो मार्केट में है कहीं ना कहीं वो है 20 बिलियन इस्लामिक कॉइन। इसकी मैक्सिमम हो सकती है 100 बिलियन, दैट मीन्स अभी भी इस्लामिक कॉइन मिंट हो सकते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आप फुली डायल्यूट मार्केट कैप पर नजर डालेंगे तो ये लगभग 35 मिलियन के आसपास है गाइस, इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर हम एक डाटा और बताते हैं आपको, जो कि है बीएनबी कॉइन को लेकर। जैसा कि बीएनबी का अगर आप देखोगे तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 31 मिलियन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लॉजिक है 31 बिलियन अगर है, और इसकी रैंक जो है नंबर 4 पर है। अगर फुली डायल्यूट मार्केट कैप को देखें तो इसके जो रैंक है वो कहीं ना कहीं बीएनबी से ज़्यादा होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो रैंक है वो इस वाले मार्केट कैप पर डिपेंड करती है, ना कि फुली डायल्यूट मार्केट कैप पर। जैसा कि आप बीएनबी का भी अगर आप देखोगे तो इसका जो टोटल सप्लाई और फुली डायल्यूट मार्केट कैप है वो थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि इसकी जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई वो सेम है, इस वजह से यहाँ पर हमें सेम डाटा नज़र आ रहा है। बट इस्लामिक कॉइन के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अभी के टाइम पर। इवन ये कह सकते हैं कि इस्लामिक कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी भी अनक्लियर है कि कितने ज़्यादा जो इस्लामिक कॉइन्स हैं वो अभी के टाइम पर सर्कुलेशन में हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो इस्लामिक कॉइन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मार्केट कैप भी जीरो आ रही है, इस वजह से जो इसकी रैंक है वो इतनी ज़्यादा है। अदरवाइज गाइज, जैसे ही ये सर्कुलेटिंग सप्लाई बताएंगे, रिवील करेंगे, तो इसकी जो मार्केट कैप रैंक होने वाली है, कॉइन मार्केट कैप रैंक, वो कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 50 में हो सकती है मेरे अंदाजे से, बिकॉज इसको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिली है इसकी प्री सेल के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देखिए गाइज, जैसे ये कुकॉइन पर लॉन्च हुआ था, अगर आप देखोगे कुकॉइन पर, कुकॉइन पर इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो काफ़ी कम थी, आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी कम, लेकिन अचानक से ये सडन पंप था और यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल किया था 1819 की सीरीज़ में। और मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि 18 की सीरीज़ एक अच्छी खासी हो सकती है, आप थोड़ी बहुत एंट्री जरूर से बना लें, जिन्होंने भी प्री सेल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, आप अच्छे से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं कि लगभग जिन्होंने भी वहाँ पर एंट्री ली होगी, भले थोड़ी बहुत $10, $50 जितना भी, तो उनका डबल हो गया, 2x प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है गाइस। जैसा कि 3.5 की सीरीज में इसका प्राइस आ चुका है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक लॉजिक ये भी है कि फिलहाल के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कुकॉइन, हालांकि काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, बट यहाँ पर ही ये लिस्टेड है, और उसके अलावा सीएमसी पर ये ऑनबोर्ड हो गया है 2 दिनों के अंदर अंदर, और आने वाले टाइम पर और भी बड़े एक्सचेंजेस पर हमें ये मिलने वाला है। इस्लामिक कॉइन काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ सकता है, इसकी प्राइस $1 भी हो सकती है गाइस, क्योंकि आने वाले अगर जो एक्सचेंज है, हो सकता है वो बाइनेंस हो, कॉइन बेस हो, कुकॉइन तो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड ये हो ही चुका है, क्रेकन हो सकता है, ओकेएक्स हो सकता है, तो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये आसानी से आ जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ इनके ट्विटर हैंडल से हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं बैक टू बैक अपडेट्स भी रिवील किए हैं। हक नेटवर्क आप देख सकते हो यहाँ पर, हक अकेडमी यानी कि ये एजुकेशन के सेक्टर में भी जाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस ने भी बाइनेंस एकेडमी ओपन की हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हक नेटवर्क के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। ये सारे कहीं ना कहीं इनकी यूटिलिटी की तरह काम करने वाले हैं, तो बैक टू बैक इस तरह की अपडेट्स आना एक काफ़ी बढ़िया सिम्टम्स है कि ये काफ़ी ऊपर जा सकता है प्रोजेक्ट। फिलहाल मैं वैसे तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं आप भी अगर थोड़ा सा इसमें रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट के टर्म्स में, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। फिलहाल के टाइम पर तो इसका कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बट आपको हो सकता है दोबारा से मौका मिले इस रेंज में कहीं ना कहीं खरीदने का, तो आपको इसको ग्रैब करके रखना है। शॉर्ट टर्म में भी हमें 2 से 3 गुना का प्रॉफिट आसानी से इसमें मिल सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये और भी एक्सचेंजेस पर ऑनबोर्ड होने वाला है, ये तो श्योर होने वाला है। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में ये ऑलरेडी रिवील करता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनका खुद का एक्सचेंज जो कि हकेक्स एक्सचेंज है, यही एक एयरड्रॉप भी है हमारा,
तो इसमें आपको प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ये अक्टूबर में ही लॉन्च होने वाला है गाइज, तो किसी भी टाइम ये लॉन्च हो सकता है। जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी 13th of October हो चुका है, तो हो सकता है ये कल लॉन्च हो जाए, आने वाले वीक में लॉन्च हो जाए, लेकिन अक्टूबर में ही ये लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो ये जो फ्री में हम 30 इस्लामी कॉइन ग्रैब कर सकते हैं ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हकेक्स एक्सचेंज का, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पर आपको सिंपली एक साइनअप करना है, जहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, अपना यूजर नेम, पासवर्ड सेट करना है और इनको याद भी रखना है, बिकॉज जब भी ये लॉन्च होगा, अभी तक ये हकेक्स एक्सचेंज जो है वही लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे लॉन्च होगा तो आपको वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में 30 इस्लामिक कॉइन मिल जाएंगे। अगर आप रेफरल करते हो गाइस तो 10 इस्लामिक कॉइन और भी आपको मिलेंगे, तो ये काम आप जरूर से कर लेना। दूसरा एड्रॉप भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ जो कि है डेंसर प्रोटोकॉल का। अब ये एड्रॉप की ये खासियत है कि ये 2 दिन में एक तो एंड होने वाला है सबसे बड़ी बात, तो आपको इमीडिएटली इसमें ज्वाइन करना है। आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर थोड़ा सा BNB होना चाहिए जो कि काफ़ी कम है, 0.02 BNB से भी काम चल जाएगा, लगभग $0.5 वर्थ का आपके पास BNB होना चाहिए ताकि इस एड्रॉप को आप क्लेम कर सकें और ऑन द स्पॉट इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा डेंसर प्रोटोकॉल का, उसको आप अपने मेटामास्क के ब्राउजर के अंदर कॉपी पेस्ट कर दीजिए और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके मेटामास्क के अंदर ही, और आपको सिंपली गो टू एड्रॉप के वाले सेक्शन पर क्लिक करना है तो आप एड्रॉप वाले पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही एड्रॉप वाला पेज आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको टोकन ऐड कर लेना है, ऐड टोकन टू मेटामास्क, ताकि ये टोकन आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होने लग जाए। उसके बाद में क्लेम एड्रॉप करना है और ये Web20 टोकन है गाइस, तो आपको जो अपना नेटवर्क है वो बाइनेंस नेटवर्क सेलेक्ट करके रखना है मेटामास्क का। क्लेम एड्रॉप पे क्लिक करते ही ये 10,000 DNSR टोकन आपको मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट अप्रूव करने के बाद में, ताकि और सबसे बड़ी बात गाइस 15 अक्टूबर को इसका यानी कि 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या होने वाली है। 31st of October को ये लॉन्च होने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट मस्ट कर लेना, और एक हकेक्स एक्सचेंज जहां पर आपको फ्री में इस्लामिक कॉइन मिलेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिस नहीं करनी। इसके अलावा गाइस इस्लामिक कॉइन की अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी जो रिपब्लिक पर पहले जब प्री सेल हुई थी तो वहाँ पर इसका प्राइस जो था गाइज वो था $0.3। तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भी इनकी प्री सेल में पार्टिसिपेट किया होगा तो हो सकता है वो लोग भी अब सेल करना शुरू करेंगे इसको, बिकॉज 0.3 से इसका प्राइस बढ़ गया है। अगर ये 4 तक आता है, 5 तक आता है, तो जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसमें डाला होगा, सपोज़ आप खुद सपोज़ कीजिए इस अगर आपने $1,00,000 अगर इसमें डाला है तो आपको अगर उसका डबल वैल्यू मिल रहा होगा तो आप उसको सेल डेफिनेटली करेंगे। तो जैसे इसका प्राइस 4 की या 5 की सीरीज तक जाएगा तो काफ़ी लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा जिन्होंने प्री सेल में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सेल जरूर करेंगे। और जैसे ही वो सेल करेंगे तो इसमें एक डिप भी देखने को मिलेगा, और वो डिप वापस से हो सकता है कहीं ना कहीं 1.8, 1.9 की सीरीज तक हो सकता है, तो आपको दोबारा से उसी पॉइंट पर एंट्री बनानी है गाइस। थोड़ी बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डाल दो, लेकिन थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो जैसा कि जो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे, और इसको आप एक अल्टकॉइन की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाओगे गाइस। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने की कैपेसिटी रखता है, बट थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल, मैं खुद भी ये चीज़ करने वाला हूँ, हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता ही हूँ, ये आपके ऊपर रहने वाला है। आप इसकी वेबसाइट को भी चेकआउट कीजिए गाइस, अच्छे से देखिए तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और कुछ अल्टकॉइंस हैं जो कि मैंने पहले डिस्कस किए हैं, तो आप उनको भी जरूर से एंट्री कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं उड़ने की फिराक में, और किसी भी टाइम हमें अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है कि पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में, क्योंकि 2 बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है फिलहाल के टाइम पे, उसको हम किसी अदर वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे जरूर से। और अभी आप देख सकते हो इसका प्राइस कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, 36 की सीरीज में आ चुका है CMC पर, आने वाले टाइम पर ये कॉइन गेको पर लिस्टेड होने वाला है, बाइनेंस कॉइन बेस सभी पर हमें देखने को मिलेगा, और उसी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगी गाइस। पॉपुलैरिटी इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हो अगर आप ट्विटर पर भी इसके फॉलोवर वगैरह देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 1.3 मिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है गाइस। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यही फाइनल डिसीजन है कि जो इस्लामिक कॉइन है जिन्होंने भी प्री सेल में पार्टिसिपेट किया था उनको थोड़ा सा वेट करना है, ताकि एक अच्छी पोजीशनिंग पर यानी कि 5-6 की सीरीज तक अगर ये जाता है आने वाले टाइम पर, जो कि डेफिनेटली ये जाएगा, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर करना है। और जैसे ही वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होगी जिन्होंने भी प्री सेल में पार्टिसिपेट किया था वो सेल जरूर करेंगे, तो नए इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एंट्री बना सकते हैं, और जो लोग फ्री वाले हैं उनके लिए तो ये एयरड्रॉप है ही सही, और जिन्होंने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था गाइज उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मुझे भी अपने जो रिवार्ड है वो मेरे को हक वॉलेट के अंदर मिल चुका है, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनको डेफिनेटली मिल गया होगा। तो यही था ऑल अबाउट इस्लामिक कॉइन गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए, नए विजिटर हो तो। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।